गुड मॉर्निंग क्लास हम तुहाडा लैक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है कल आपां दो यूनिट कंप्लीट कर ले यूनिट वन एंड यूनिट टू हो गया यूनिट थ्री का फस्ट टॉपिक है ईडीपी इन इंडिया अज आप ईडीपी इन इंडिया और फेसिस करांगे ठीक है ईडीपी आप किनू कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट प्रोग्राम इन इंडिया जो हों लॉन्च किया गया ठीक है ये आप ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम करते हैं क्लीयर हूँ आप ईडीपी का मीनिंग करते हैं ईडीपी की होंगे कहते ईडीपी मीनस प्रोग्राम डिजाइन टू हैल्प अ परसन स्ट्रेंथिंग एंड एंटरप्रेन्योर मोटिव इन क्यूरिंग द स्किल इस एंटरप्रेन्योर की मोटिवनेस देखना उन्होंने मोटिवेट करना क्यूरिंग वो स्किल्स में चैक करना वो कैपेबिलिटीज़ में चैक करना कि वह कितना प्ले कर रहा रोल वह इफ एफिशेंट है कि नहीं है यह चैक करना ईडीपी इन इंडिया च नैक्सट आते कि ईडीपी कहते एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम इन डिवेलपमेंट है यदि फुल फॉर्म है वह कहते इन डेफिनेशन की है कहते हैं प्रोग्राम डिजाइन हैल्प करता है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ नू एंड एंटरप्रेन्योरियल मोटिव करता है सेम है क्वेरिंग वो स्किल्स नू वो कैपेबिलिटीज़ नू नेसेसरी जो उन्होंने जरूरत है परसन ठीक है ये सब डिविजन्स हो जाती है एक ग्रुप के अंदर ही सब ग्रुप्स बन जाती है ठीक है एंटरप्रेन्योर डिवेलपमेंट के इन रोल हमेशा एफिशिएंटली करना इफेक्टिव इन है इन प्रजेंट करना है क्लीयर नैक्सट आती है ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया के इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग है मैथड्स है नीड्स है फेसिस है एंड आप सारे सारे की करने पढ़ने वो पहला आता है इंपॉर्टेंस इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी स्किल्ड मैन पावर ऑल मैनेजमेंट लैवल्स कहते अवेलेबल होंगे स्किल्स मैन पावर ऑल मैनेजमेंट लैवल्स इस इनहानसिंग अबिलिटीज़ भी दिखती जाती है मंग एंटरप्रेन्योर्स भी इंक्रीज़ होंगी ये एफिशेंसी मेनटेन होंगे इनहानसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी इस मिनीमाइज़ की जाती है वेस्टेज प्रोडक्शन की ठीक है मिनीमाइज यूज़ होती है प्रोडक्शन जी वेस्ट की जाती है एंड मिनीमाइज एक्सीडेंट इन जॉब्स है कहते रिड्यूस करता है फिटेज एंड इंक्रीज़ की करता है स्पीड ऑफ वर्क की स्पीड ऑफ वर्क कितनी है मतलब ट्रेनिंग में जा रही है अगर हमेशा हमें ट्रेनिंग में स्पीड ऑफ वर्क हाई रखनी चाहिए कहते हैं ना थ्रेटिकली वर्क घट तो प्रैक्टिकली वर्क पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ईडीपी नैक्सट है स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडस्ट्री एंड इंटरनल प्रोसैस कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडस्ट्री भी है इंटरनल एक प्रोसैस भी हैगा वा ठीक है ईडीपी इन इंडिया च नैक्सट कहते हैं मैथड कौन कौन से ट्रेनिंग में हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन वो इंडिविजुअली पर्सन इसमें इंस्ट्रक्ट करेगा इंडिविजुअली पर्सन इसमें प्ले करेगा अपना रोल ग्रुप इंस्ट्रक्शन में मतलब ग्रुप में जो हम ट्रेनिंग दी जाते हैं जैसे ए और बी दो ग्रुप्स बना दिए ए में सिक्स स्टूडेंट्स हैं बी में भी सिक्स है मतलब टोटल स्टूडेंट्स 12th थे दो में हमने डिवाइड कर दिया ठीक है ग्रुप ट्रेनिंग होगी नेक्स्ट इसमें लेक्चर मेथड है जो लेक्चर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टॉपिक दे दिया आपने बोल दिया नेक्स्ट उसको सेमिनार दो वो लेक्चर स्टैंड पे लेक्चर मेथड उसको कहते हैं नेक्स्ट आ गया डेमोस्ट्रेशन मेथड वो होता है जो डेमोस्ट्रेट करता है जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह हम बनाते हैं उसको कहते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन मेथड वो होते हैं जो रिटर्न की फॉर्म में होता है रिटर्न हम मेथड्स को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं कॉन्फ्रेंसिस वो होते हैं जो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती है जैसे कॉलिंग में हो गई हमने ट्रेनिंग दी किसी को नेक्स्ट मीटिंग हो गया जो मीटिंग हम असाइन करते हैं ठीक है आज ये डील हुई है मतलब उसके हम मीटिंग हेल्ड कर देते हैं कि आपको इतना कितना बेनिफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो भी चेक करना अब ईडीपी कहते हैं हमेशा डिज़ाइन करता है विद द एम ऑफ इंकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बट इसमें इन पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिव पोटेंशियली हमेशा इसमें देखा जाता है क्योंकि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक डाइवर्सिटी और एक्सपैंड का होना ज़रूरी है एक ट्रेनर का होना ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन को मंग करता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ठीक है फोर्थ में कि वेल इक्वाइड टू फेस अ रिस्क है ये वेल इक्वाइड फेस रिस्क है इसमें चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर के हमें क्या करने पड़ते हैं एक्सेप्ट करने पड़ते हैं जल्दी से जल्दी इसमें गवर्नमेंट नीड्स कंसिडर होती हैं बट ह्यूमन मटीरियल की रिसोर्सेज पे एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेल्ड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन में इसमें क्या करती है हेल्प करती है ईडीपी पे क्लियर नेक्स्ट आता है फेसेस ऑफ ईडीपी कौन कौन सी है कि सिलेक्ट करना है एरिया एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट पॉलिसी को उसकी गाइडलाइंस को चेक करना है इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में सेकेंडली टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिक सर्वे भी हमने देखना है सिलेक्टेड एरिया फिजिबिलिटी है कि नहीं है वो भी हमने चेक करना थर्ड में आइडेंटिफाई करना पोटेंशियली एंड एग्जिस्टेंस इंटरेस्टेड को कि स्टार्टअप करने में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न्यू बिजनेस को या एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन को ठीक है थर्ड में ट्रेनिंग लेनी नेक्स्ट में फॉलो अप करना एंड कौन से सर्विसेज को भी क्या करना प्रोवाइड करना ईडीपी में अगर ईडीपी में हम सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं तो ऑनगोइंग प्रोसेस हमारी ट्रेनिंग भी क्या चलेगी अच्छी चलेगी क्लियर नेक्स्ट हम कल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज हमारी रहेगी एजेंसी ईडीपी की वो हम करके यूनिट थ्री भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और प्लीज़ अपने साथ में सारे नोट्स बना लो मैंने किसी टाइम भी चेक कर लेने हैं ओके थैंक यू क्लास अब अपने अटेंडेंस बोल दिया करो